नमस्कार दोस्तों, द बकलोल डिविच अच मैं अरुण सलैन थोड़ा मता मुलाद करना। जियां कि असें सारें ही पता है DDC इलेक्शंस पहली बार साढ़े जम्मू कश्मीर होआ करदी हैं। उस सिलसिले अज अस आई पुजे दे हां हीरानगर। इधर साढ़े एक यंगस्टर की BJP ने पहली बार टिकट दिती है, असें बड़ी खुशी हुई। चेचे तौर पर असें जम्मू तो इत्थे आना पिया इंटरव्यू लई। ते सारे कोला पहले अस थोड़ा स्वागत करने हैं अपने बकलोल टीवी च। अभिनंदन जी, कनेहा फील होआ दा तुसें गी? मतियां मतियां मुबारकां साढ़े पासे आ तुसें गी सारे कोला पैह्ले कि BJP ने बड़ी बड़ी पार्टी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्हें शैल काम भी कीते ने ऑल ओवर इंडिया च। तुसें टिकट दित्ती और असें तुसें मुबारकां बड़ियां बड़ियां। कनेहा फील होआ दा, लाइक कैसा फील करा दे हो तुस? बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा एडी दूर आने लई। ते थुआढ़े चैनल के माध्यम के थ्रू जिन्हें भी दर्शक हैं उन्हें नमस्कार करना जी। नियरी गल है कि फील दे कुछ हो नहीं, लोगों में जाने लोगों की समस्याएं सुनने जी, उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी है, जिन्हें कम्मे कोला खुश है, थोड़े अपने सुझाव वो सारे का सामना कराने। दे अच्छा लगा दा, अच्छा फील होआ दा। ते मतलब किस टाइप दी प्रॉब्लम्स तुसें गी लग्गा दी कि साढ़ा यूथ अज दे टाइम च फेस करा दा, लाइक कनेही प्रॉब्लम तुसें गी लग्गा दी कि जिन्हें गी लेइयै शिकायत है लोगों के बिच? देखो जेहड़े साढ़े पिंडे ग्राएं, क्यों पंचायत दे रिलेटेड चुनाव हैं, जेहड़े साढ़े पिंडे ग्राएं दे लोग हैं बहुत ही मेहनती लोग होंदे हैं। साढ़े कोल ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफा बेनीफिट जां स्कीम्स च कोई कमी है, बहुत ही अच्छी स्कीम्स ते बहुत ही बेनीफिशरी स्कीम्स चला दी हैं। बस एक कमी है कि लोगों च जागरूकता ते अवेयरनैस, प्लानिंग बड़ी अच्छी है, जिसलै ग्राउंड उपर इंप्लीमेंटेशन की गल आती है इंप्लीमेंटेशन च थोड़ी जी कमी है, वो कमी आवा करती है अवेयरनेस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर इसलै जेहड़ा साढ़ा गोल्डन कार्ड बना दा हैल्थ, मैं जनरली एग्जाम्पल देना चाहना, गोल्डन कार्ड है हैल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, उस गोल्डन कार्ड के पहली स्टेट है J&K जी, 100% गोल्डन कार्ड गवर्नमेंट ने इशू करने का वादा किया, तो करा दे हैं, मोस्टली हो भी गए हैं, बाकी कुसे भी इंडिया की स्टेट ऐसा पॉसीबल नहीं हो पाया है। लेकिन लोग गोल्डन कार्ड दे है, लेकिन अवेयरनैस इन्नी नहीं है कि उस गोल्डन कार्ड की यूज किना करना है, वो अवेयरनैस नहीं है पिंडे ग्राएं लोगों की। तो इस अवेयरनैस के कारण बाकी जी बेनीफिशरी स्कीम्स है उनका भी खामियाजा लोगों की भुगतना पौंदा है। बेनीफिशरी स्कीम्स बड़ी ज़्यादा लोगों को है, बस उनकी गल है जेहड़े उनके चुने नुमाइंदे है उन्हें सही तरीके से जागरूक करने की अवेयरनैस करने की। ठीक है, तो अस जियां कि हुण तुहाड़े कोल आए हैं, इसलिए टाइम होआ दा 9 बजे ने, ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे दे टाइम होआ दा, तो बड़ा टाइट स्कड्यूल कुते ना कुते है तुहाड़ा कैंपेनिंग के लिए, बड़ी मेहनत करा दे हो तुस इस वेले। तो अस इसलिए तुहाड़े कोल बकरे ग्रांच भी गए हैं दूई साइड उपर, इसलिए तुस अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना घूमा दे हो, इसलिए इन्नी मेहनत करा दे हो, के विनिंग एक्सपेक्टेशन तुहाड़ी के है कि लाइक किन्ने वोटें थमां तुस मतलब अगली जी पार्टी उसे टक्कर दे सकते हो, जीती सकते हो, तो के एक्सपेक्टेशन है तुहाड़ी लोकें लिए, यूथ जी? मैं कुछ एस्टिमेटेड या डिसाइड करना नहीं चाहना, जो लोगों का जनादार होगा मैं उसी एक्सैप्ट करगा। मेरी तरफा जिनी मेहनत होगी, मेहनत मैं रोज़ सवेरे को शामी तक करगा, अगर जनता का आशीर्वाद जनता की तरफा मुझे मौका दिता जाता है, बस मैं इन्ना आखना चाहना कि जनता की जेड़े मैं निराशा का सामना नहीं करने देगा। जिले परिभाषा लोगों के मन च है कि जेड़े लीडर लोग है आते, तो कई बार अद्धे लीडर लोग लभदे नहीं है, उल मैं एक मैं चाहना कि जी परिभाषा है साढ़े इतने थोड़ी बहुत फैली दी है, मैं इसी चेंज करना चाहना, लोगों के व्यूज़ बदलना चाहना कि हाँ एक अच्छा फील्ड है, इस फील्ड आइए अच्छा काम भी हो सकता है। जिन्ना मेरे तरफा मौका लगा लोगों कभी निराशा का सामना नहीं करने पौगा। बड़ी शैल गल की तुसें, तो एक निकी जी गल अस तुसें पुछने आ, अभिनंदन जी थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी च किन्ने ग्रां ते किन्नी पंचायतां ने, इस बारे कुछ रोशनी पाओ। साढ़े इसलिए DDC इलेक्शन च हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी च 18 पंचायत है, दे लगभग तकरीबन 90 ग्रां, तकरीबन एस्टिमेटेड 90 ग्रां उंदे च। ते उम्मीद है तुस 90 दे 90 ग्राएं गी कुछ करी पागे, इधर दे यूथ दी मतलब एक अग्गे रस्ता दसगे, एक रोशनी दे रूप च काम करगे। देखो खुशी दे सैटिस्फाई करना बड़ा ही टफ है, लेकिन यह है कि लोगों की उम्मीदों पर लोगों से मैं लड़ाई लड़ी सकना, जी उनके हक की लड़ाई होगी, कभी लोगों को यह महसूस नहीं हो लगा कि जी उनके हक की लड़ाई उन्होंने कोई ऐसा नुमाइंदा चुनिया जी उनके हक की लड़ाई उसे जो सा नुमाइंदा अग आइए कम नहीं करा। अगर अस ग्राएं पिंडे की गल करचै, बेसिक मुद्दे तुसें के लगते हैं, लाइक कि जेडे सारे को हाईलाइटेड मुद्दे ने जो सॉल्व होने चाहिए साढ़े इतने पिंडे ग्राएं कंडी बेल्ट वो होंगी है जिंदे उपर पानी की समस्या ज्यादा होंगी है, एक बेल्ट वो आती है थले साइड जिंदे पानी की समस्या ठीक होंगी है, उनके थोड़ी फसल की समस्या
पिंडे ग्राएं लोकें दे बड़े निक्के निक्के इशू होंदे ऐ, बड़े मेहनती लोग होते ते तकरीबन बड़े ना खुश होइयै रौंह्दे ऐ पिंडे ग्राएं च, निक्की निक्की समस्याएं होंदी अगर निक्की निक्की समस्याएं हल होई जाना बड़े खुश होइयै ते बड़े ना दिलदार लोग होंदे ऐ। ते मैं ना मैं लोकें गी भरोसा ते विश्वास दिलाना कि उंदी उम्मीदां उंदे जेह्ड़ा भरोसा ऐ ओह् मैं कदें नहीं तोड़गा, उंदी उम्मीदें भरोसे पर खरा उतरगा। बड़ी शैल गल कीती। हुन अस तुहाड़े कन्नै जेल्लै कैंपेनिंग चला ही, कैंपेनिंग करदे करदे उत्थें इक पापा जी होर मछरी गेदे हे थोड़ा हारा, साढ़ा जेह्ड़ा अपना थोड़ा हसी मजाक बी करी लैचे, ओह् खंबे दी गल्ल करा करदे हे कुतै ना कुतै यार साढ़ा खंबा नहीं लग्गेआ, खंबा नहीं लग्गेआ। तुसें लगदा कि कुतै ना कुतै साढ़ी इलैक्ट्रिसिटी गी लेइयै बी साढ़े ग्राएं पिंडें दी जेह्ड़ी मेन इशू कुतै ना कुतै रौंह्दा ऐ, प्रॉब्लम रौंह्दी है, उसी बी रिजॉल्व करना चाहिदा? देखो बिल्कुल, जेह्ड़ी एह मतलब कि अगर इस फील्ड च लोग जेहड़े भी मैं आ जां कोई होर आ, उदा इक फर्ज है, ओहदी इक जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं है कम करना, ओहदा इक फर्ज है, ओहदी इक जिम्मेदारी है, ते उसी मजबूरी लेनी है, असी ए कम करना चाहिदा, ते जिहदा लोकें दा हक है ओह लोकें दा हक है मंगना। जेड़ा भी है अगर मैं जां कोई भी लोकें दा हक है मंगना, उन लोकें दी अपनी पंचायत दे प्रति नाराजगी ही कि हां पंचायत च साढ़े कम नहीं होआ दे, ओह इक लोकल जेहड़े कैंडीडेट होंदे सरपंच पंच उंदी तरफा कि साढ़े थोड़े बहुत कम नहीं होआ दे। ते बाकी उन्हें आखेआ थुआढ़े कन्नै जिन्ना तुस आखगे अस ते स्टार्टिंग दा चला ने, साढ़ी कॉन्सिस्टेंसी इ'यै लेई है, जिन्ना तुस आखगे तुस साढ़े अपने घर दे आदमी हो, तुस साढ़े अपने पुत्र हो, थानू साढ़ा आशीर्वाद है। ठीक नहीं ओह ते असें अपनी अक्खें कन्नै भी दिक्खेआ, थुआढ़ी कल रैली होई है बड़ी जोरें शोरें कन्नै, तुसें अपना जेल्लै नॉमिनेशन फाइल करन गए हो तुस अपना, ते बड़ी शैल रैली, मतलब लक्खें बद्धे लोग तुं'दे पिच्छे दौड़ा करदे ऐ, ते असें भी पूरे दिल कन्नै तहे दिल तो तुसें गी बड़ियां बड़ियां शुभकामनावां असें अपने कोला थुहानूं दिन्ने आं कि तुस जित्तो, ते सारे यूथ दे लेई इक नवां इक लैसन लेई आओ कि नहीं यार अस भी कम्म कर सकने आं ते अग्गें बधी सकने आं। लास्ट तीन मी कम्म असें दस्सी ओड़ो जेह्ड़े तुस जित्तने दे बाद चूं करना सारे कोला पसंद करगे, इक यूथ गी खुश करने आस्तै, माता भैनें गी ते ग्रां दे बजुर्गें गी। दिक्खो मेरा मनना है कि इंसान गी जेह्ड़े साढ़े इत्थें लोग हैं उनेंगी इक डिवेलपमेंट या उनेंगी एक अच्छे स्तर उपर ले जाने आस्तै उंदी एजुकेशन ते हेल्थ बड़े ही प्रायोरिटी वाइज इशूज है। यूथ आस्तै स्पोर्ट्स, यूथ आस्तै उंदी कल्चरल एक्टिविटी, अगर यूथ निकलता है उंदा फोकस सिर्फ इक्कै साइड नहीं होना चाहिए, जेदा उदे च टैलेंट जेड़ा वो टैलेंट रखता है नहीं रोए कुते। हाँ बिल्कुल, अगर उदा डांसिंग च इंटरेस्ट है, अगर उदा सिंगिंग च इंटरेस्ट है, अदर स्पोर्ट्स बिल्कुल हर एक चीज़ की साइड, गौरमेंट ने बड़ी न्यू अच्छी पॉलिसी लिया है, जिन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी साड़ी आई है, मतलब कि जेड़े साढ़े थोड़ी बहुत पुरानी कमियां ही उसी भी दूर करना, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर इन्ना स्ट्रॉन्ग करना कि उसी नौकरी मंगने की जरूरत नहीं पवे, या इन्हें आखिया सानू एडजस्ट करो, नौकरी क्रिएट करी सकै। बिल्कुल सही, बड़ा शैल लग्गेआ तुं'दे कन्नै गल्ल करिए, और मेद ही तुसें स्पोर्ट्स की गल जरूर करनी है, तुं'दा हट्टा घट्टा शरीर दिक्खिए यार कोई बोली सकता कि यार ये चीज़ तो बंदे दे मूंह चा निकलनी चाहिए ही, तो दिस आंसर वॉज ऑटोमैटिकली एक्सपैक्टेड फ्रॉम यू।